इसके पापा सिख थे, तो हम मैं सिखिज्म को भी बहुत मानती थी, तो मैं सोचती थी कि मैंने जो पिछले जन्म में किया मुझे तो अभी याद नहीं है, पर भुगत तो मैं रही हूँ अभी। एक ऐसा यीशु जिसने अपने खून का आखिरी कतरा हम सब के लिए बहा, हालेलुया। गहरा अंधेरा छोटी सी रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, पर छोटी सी रोशनी खूब अंधेरे को खत्म कर देती है। Why Jesus? Why Jesus? Like different gods, आपने बताया, पर क्यों अपनाया? यहाँ टूटे दिल जुड़ते हैं, लोगों को आशाएं मिलती है, जहां पर जिंदगियां बनती है। कैसा वो दर है, वो दुआ का घर है। तो आज उसी दुआ के घर से हमारे बीच में पास्टर मोनिका कृष्ण जी हमारे साथ है। हम इसको दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। तो खुदा ने कैसे चुना, सिस्टर जी बताएंगे। ये कनाडा से आए हुए हैं, मैं आयरलैंड से आया हुआ हूँ, और हम लोग इकट्ठे मिलके मिठे हैं, वो स्कॉटलैंड है। प्रभु कैसे कैसी कैसी योजनाएं हैं जो हमारे साथ करता है। तो आज हम जानेंगे सिस्टर मोनिका, आई प्रेफर टू कॉल हर पास्टर, एंड कल ही मैं सुन रहा था किसी ने इनको रुतबा दिया शेरनी का, तो क्यों शेरनी है, हम लोग इनसे बात करेंगे। तो पास्टर जी, पहले तो आपका बहुत बड़ा हम स्वागत करते हैं अपने दिल की गहराइयों से, सारे चैनल की तरफ से, हमारे और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे लोग हैं इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोने में जो आपको जानते हैं और जो इस इंटरव्यू के थ्रू जाने भी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपका नाम बड़ा यूनिक है, सिस्टर मोनिका क्रिश्चियन, आप इसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी, थैंक यू। आपने पहली बार मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, ये पहला क्वेश्चन है किसी ने पूछा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने मोनिका नाम चेंज किया, मेरा बर्थ से ही नाम मोनिका है, मेरे अंकल लंदन में रहते थे तो उन्होंने मेरा नाम मोनिका दिया, तो दैट इज़ वन थिंग। बट लास्ट नेम जो है वो क्रिश्चियन, वो एक जब बच्चा पैदा होता है तो बाप का नाम उसका लास्ट नेम हो जाता है, जब लड़की की शादी होती है तो हस्बैंड का नाम लास्ट नेम हो जाता है। तो जब मैं यीशु मसीह में आ गई तो यीशु ही मेरे सब कुछ बन गए, तो मुझे लगा मुझे मेरा लास्ट नेम वही फादर है, वही कंपेनियन है, तो उनका लास्ट नेम ही मेरा लास्ट नेम होना चाहिए। तो मैं किसी डिनोमिनेशन में बिलीव नहीं करती, देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज क्राइस्ट। तो जो क्राइस्ट को प्यार करता है तो क्रिश्चियन बन गया, तो मैंने इसलिए अपना लीगल लास्ट नेम क्रिश्चियन कर लिया, क्योंकि मुझे क्राइस्ट से इश्क हो गया, तो क्रिश्चियन नाम कर लिया, मोनिका क्रिश्चियन। सो जैसे कि आपको पता लगा होगा कि नाम से इनका फर्स्ट नेम मोनिका ही था, लेकिन लास्ट नेम क्रिश्चियन इन्होंने लिया, खुदा ने इनको वो नाम दिया है। यस। तो सिस्टर, आप बता सकते हो कि ये वाला जो नाम खुदा ने आपको दिया, कैसे मिला आपको ये नाम? यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो शुरू हुई जब मैं 8 साल की थी तो थी, उससे पहले जब माँ के पेट में थी तभी से खुदावन ने क्रिश्चियन नाम तो दे दिया था, पर मैं भटकी हुई थी। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम कन्वर्ट हो गए, तो मैं इस कन्वर्ट वर्ड में बिलीव नहीं करती। कन्वर्ट तो वो चीज़ होती है जो डिफरेंट होती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हम सभी इंसान, जब खुदावंद हमें इस दुनिया में भेजता है, हमें इंसान भेजता है, तो इंसान तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इंसान तो इंसान ही रहेगा। तो मैं ये कहूंगी हम लॉस्ट होते हैं, हम गुमे हुए होते हैं जो फाउंड हो जाते हैं। Amen. तो उसी तरह से जब खुदावन ने मुझे अपनी मेरी मामा के वोम में डाला, तो मैं तो यीशु को ही बिलोंग करती थी। हर शायद दुनिया की हर इंसान यीशु को ही बिलोंग करता है, पर वो भूल जाता है इस दुनिया में आके। तो उसी तरह से मुझे भी नहीं पता था मैं इस दुनिया में आई, इस दुनिया के रंग में रंग गई, जो माँ बाप का मज़हब था, जो धर्म को मानते थे, जो धर्म इंसान ने बनाया, तो मैं भी उसी में इन्वॉल्व होती गई। तो हिंदू घर में पैदा हुई, और जब 8 साल की हुई
तो मेरे घर के पास एक चर्च था, हम लुधियाना में रहते थे, तो उस चर्च में मैं अक्सर चली जाती और मैं पास्टर से कहती कि वो मोटा सा ताला लगा होता था पुराने जमाने का, तो मैं कहती थी ये लॉक खोल दें, मुझे अंदर जाना है। और वो पास्टर का दिल बहुत अच्छा था, उन्होंने वो ताला खोल देते थे और मैं अक्सर अंदर जाके बैठ जाती। अंदर सिर्फ मैं अकेली होती, मैंने कभी सर्विस नहीं अटेंड करी, सिर्फ अकेले। और अंदर क्रॉस होता तो मैं कितनी देर अंदर बैठी क्रॉस को देखती रहती। तो जर्नी उस टाइम से शुरू हो गई थी और अक्सर मैं जाती, उनको कहती और वो कर देते। तो एक दिन उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझे कहा कि बाइबल का खुदा जो है यीशु जो है सिर्फ वही सच है। तो जो उनको पता था कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो बुद्धों को आप पूछते हो तो ये सच नहीं है, सिर्फ यीशु सच है। मैं बाइबल ले आई, उस टाइम तो पता नहीं था बाइबल क्या है, तो मैं घर आई। तो उसके बाद मैं कभी चर्च नहीं गई। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा वो मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने सिर्फ यीशु को ही पूछती हूँ और अपनी मूर्ति को पूछना शो मतलब अभी भी करती हूँ, पर उसको तो छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो जिंदगी का हिस्सा थी, घर का हिस्सा थी। तो फिर इसी डर से मैं कभी चर्च नहीं गई, पर वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था खुदावंद के उस प्रेजेंस का, उस क्रॉस को देखने का। तो इसके बाद जब मैं 14 साल की हुई, उस टाइम में एक डिमोनिक गेम होती है वीजी बोर्ड, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो वो जो वीजी बोर्ड में इन्वॉल्व होना, आपने सुना हुआ वीजी बोर्ड के बारे में? नहीं, मैंने सुना नहीं। अगर आप बता दें तो इनको मुझे पता चल जाएगा इनके साथ। जी वीजी बोर्ड ना आजकल के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे हमारे कनाडा अमेरिका में हमारे स्टोर्स में भी ये गेम मिलती है जिसको आजकल यंगस्टर्स खेलते हैं। आजकल वो बोर्ड बना बनाया आता है। तो जब मैं छोटी थी उस टाइम ये इंडिया में बड़ी कॉमन गेम थी। उसमें हम एक बोर्ड बना के उसमें ABC लिख देते थे, ABC की जैसे पर्चियां लिख दी, 1 to 10 लिख दिया, यस नो और कॉमन वर्ड्स लिख दिए। तो सिक्का लिया या ग्लास लिया तो उसको घुमाना, अच्छा, उसके ऊपर हाथ रखना तो कहना कि स्पिरिट आ जाए। अच्छा, है ना, फिल्मों में देखा मैंने उसको किया। तो वो जब हाथ रखा एक दिन ऐसे ही मैंने उस किया तो वो जो मैंने सिक्का बड़ी तेजी तेजी से चलना शुरू हुआ, तो मुझे पता चल रहा था कि वो खुद कितनी तेजी से चल रहा है। तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल अनजान थी कि क्या, ये तो गेम थी, पता ही नहीं था कि कोई स्पिरिचुअल रेल्म है कुछ है। तो वो सिक्का तेजी से घूमने लगा और बड़ी जवाब देने लगा। तो जब मैंने उसे जाने को कहा तो उसने मुझे कहा कि मुझे कल शाम को 4 बजे फिर मुझे बुलाना। तो मैं अगले दिन 4 बजे फिर खोल लिया, फिर उसने कहा दोबारा बुलाना। इस तरह से करते करते एवरी डे का एक रूटीन बन गया। एक दिन इंडिया में जैसे लाइट चली जाती है तो वहाँ पे लाइट चली गई, गर्मियों के दिन थे। तो उसने कहा मुझे कि वो चटाई होती थी कि चटाई लेके ऊपर छत पे चली जा। तो मैंने कहा ऊपर तो इतनी गर्मी है तो ऊपर कैसे चली जाऊँ। तो उसने कहा मैं तुझे आज अपनी पावर दिखाऊंगी। तो जब मैं छत पे गई तो इतनी तेज धूप थी, गर्मी थी, तो एकदम सूरज के आगे बादल आ गया और ठंडी सी हवा उस मेरे तो इर्द गिर्द चलने लग गई। तो उसने कहा सी माई पावर। तो मैं सबसे बताना चाहती हूँ कि जो हम बड़े मौजदे देखते हैं, मिरेकल्स देखते हैं तो हम कैरिड अवे हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये गॉड ही है जो कर सकता है। जो जादूगरी है, ये जो तांत्रिक और ये सब चीजें हमें लगता है कि बस, और हम सब जगह चले जाते हैं क्योंकि वहां पे मिरेकल्स हो रहे हैं। पर एक बार मैं सबको कहना चाहूंगी बड़ा डिसर्नमेंट रखें क्योंकि शैतान ने इस पूरी दुनिया में बड़ा जाल फैलाया हुआ है। जी जी। और ये जो मिरेकल्स हैं ये खाली खुदा ही नहीं करता, शैतान को भी सब कुछ पता है, शैतान के पास भी सारी पावर है। वो उसके पास भी ये हवा के रुख बदलने की, जी जी जी। क्योंकि आपको याद है हम सब बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह कश्ती में थे तो वो तूफान कौन लेके आया था? हाँ? Yeah. तो वही तूफान लाने वाला जो शैतान है जिसको खुदावंद ही शांत कर सकते हैं, चुप करा सकते हैं। तो उसने मुझे वो पावर दिखाई तो मैं बहुत मैं अमेज हुई कि वाओ। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो मैं थी क्योंकि मैं यीशु के लिए स्पेशल थी, मुझे यीशु के लिए काम करने थे। तो मुझे यीशु के काम से दूर करने के लिए ये एक जाल था जो शैतान ने बिछाया था मुझे अपने कब्जे में लेने के लिए। तो मैं उसमें फंसती जा रही थी एक तरह से। एक 14 साल का मैं सबसे बड़ी थी, एक न्यूक्लियर फैमिली थी, मम्मी पापा दोनों बैंक मैनेजर थे तो वो दोनों बैंक में, और हम लोग बस बच्चे, तो कोई
एक्सपोजर नहीं था दुनिया का, तो बस बड़ी मासूमियत थी, इसलिए पता नहीं था। तो इसी तरह से उसने कभी एक दिन फ्लड आया, तो मैंने उसे कहा हमारे घर में फ्लड नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा एक कागज लेके आ। तो उस कागज में उसने जो हिंदू रिचुअल करते हैं, हल्दी, मौली, सिंदूर, पानी और ये सब मंगवा के सारे हिंदुओं वाले जो साइंस होते हैं वो सब बनाए और ऐसा किया और कहा इस कागज को पीछे बैकयार्ड में उसको मिट्टी में गाड़ दे। वो गाड़ दिया, सारे घरों में फ्लड आया, हमारे घर पे पानी बंद किया नहीं आया। उसी तरह से बहुत कुछ हुआ। मेरे पापा वहाँ पे कैनरा बैंक में थे, तो वहाँ पे उनकी ट्रांसफर हो गई कैलकटा, हम लुधियाना में थे, तो बहुत मुश्किल था कि उनकी ट्रांसफर रुक सकती। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पापा की ट्रांसफर रोक। फिर उसने वही कागज मंगवाया, सिंदूर, मौली, हल्दी, ये सब अपने मंत्र शंत्र किए, तो मेरे पापा की ट्रांसफर रुक गई। अब हम जब देखते हैं यू नो ये पंडित लोग और ये सब लोग यही सब करते हैं ना, मौली, हल्दी, सिंदूर, ये सब चीजें, ये सब चीजें वो बदरू भी कर रही थी। अब सोचें कोई चीज जो आप करते हैं वही चीज जब एक ईवल स्पिरिट भी वो कर रही है, तो उसका तो कोई रिलेशन है, कोई चीज कनेक्टेड है उसके साथ, तभी तो वो सब साइंस बना रहा है, एक बदरू बना रही है। तो इसी तरह से फिर तो मतलब बढ़ता गया, ये गहरा होता गया और ज्यादा। तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ, तो मुझे देवी देवता भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे मिलना चाहते हैं। तो मेरे मंदिर में जितनी मूर्तियां पड़ी हुई थी, तो वो मूर्तियां जैसी मूर्तियां थी, जिस शक्ल में मूर्तियां थी, जैसी उन्होंने ज्वेलरी पहनी, जैसा यू नो कैसे ज्वेलरी से वो थे, उसी रूप में मुझे फेस टू फेस वो मिलने लगे, एग्जैक्ट सेम रूप में। कभी कोई बाबा आ रहा है, कभी कोई देवी आ रही है, कोई देवता, जो भी मंदिर में थे वो सब फेस टू फेस मिलने लगे। तो जब वो मुझे मिलने लगे, तो मेरे अंदर एक बहुत जबरदस्त प्राइड आ गया, मेरे अंदर इतना गरूर आ गया, घमंड आ गया, मेरे अंदर इतनी एरोगेंस आ गई, मुझे लगता था मुझसे बढ़ के तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसने मुझे कहा कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चला तो ये सब पावर तेरे से चली जाएगी। तो मैं चुप रही, मैंने किसी को नहीं बताया, पर मुझे पता था क्या पावर काम कर रही है। उसने जो उस टाइम एक सुरभि करके प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम साथ दिया था आपको, तो वो प्रोग्राम्स के एंड में कहते थे इसका जवाब सही दो तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे को बड़े सारे रिवॉर्ड विन करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने जवाब देने हैं उसने विन करवा देना। मेरे एग्जाम होते कॉलेज में, मैं ये 14 साल से सफर शुरू हुआ और चलता गया, तो मेरे कॉलेज के एग्जाम होते, वो मेरा क्वेश्चन पेपर मुझे पहले पता होता, उसने मुझे सारा क्वेश्चन पेपर पहले बता देना कि ये सवाल आने हैं। मेरी मम्मी ने कहना तो पढ़ती नहीं, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर ही आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से मैं उसके पूरे शिकंजे में फंस गई। मेरे पास ऐसे था, आप सोचें एक टीनेजर जो 14, 15, 16, 17 साल की बच्चा हो रहा है, उसके पास पूरी दुनिया की पावर थी हाथ में। मैं चाहूँ अभी धूप आ जाए, अभी छाई आ जाए, अभी ये हो जाए, इतना कुछ था मेरे पास। पर यू नो जब खुदावंद हमें बनाता है, उसका रूह है हमारे अंदर, हमारा जो रूह है ना वो कैद हो जाता है जब हम चीज़ों में। तो मुझे सब कुछ था, तो मुझे लगता था मैं कहीं पर कैद हूँ। मैं अक्सर ना मम्मी, किसी को तो पता नहीं था मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो मैं अक्सर वॉशरूम में जाती और अकेली रोती रहती। मैं बहुत रोती, क्योंकि और ये भी नहीं पता चलता था मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं अंदर से ना किसी जैसे पिंजरे में कैद हो गई हूँ, तो वो पिंजरा क्या था वो नहीं पता था। इसी तरह जिंदगी चलती रही और शादी हुई। तो ये जब चीजें, जब आप ऐसी चीजों के लिए दरवाजे खोलते हैं, तो जैसे आप दरवाजा खोले ना, तो एक कीड़ा नहीं अंदर आता, कितने सारे कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं ना बाहर से। उसी तरह से जब हम अपनी जिंदगी का जरा सा भी दरवाजा खोलते हैं, एक डेमन नहीं आता, लश्कर आ जाते हैं। तो वो ये लश्कर के लश्कर आ गए, तो वो फिर अपनी वो कैसे, फिर वो क्या करते हैं, जैसे रोमन 7:14 में लिखा, पॉल कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, ये मैं नहीं बल्कि वो गुनाह है जो मेरे अंदर है। तो इसी तरह से मेरी जिंदगी हो गई। मेरे दिमाग का स्टेयरिंग व्हील जैसे किसी और के हाथ में था, जो मैं नहीं करना चाहती थी वही करती थी, जो करना चाहती थी वो होता नहीं था, क्योंकि वो बदरू थी जो अंदर थी, उसने मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया।
शादी हुई, शादी भी अगर ऐसे चीजों से आप बंधे हो तो आपकी शादी भी कभी सुख भरी नहीं होगी। बहुत सारा पेनफुल लड़ाई झगड़ा। फिर मेरी बेटी हुई तो ऑफकोर्स मैं एक बात सबसे कहना चाहती हूँ कि जो माँ बाप खुदावन से दूर होते हैं, या अगर आप कभी किसी पंडित, जादूगर, तांत्रिक, ये सब चीज़ों में कभी इन्वॉल्व हुए, या जब जाके उन पत्थरों के आगे माथे टेके जो अपने आप को देवी देवता कहलाते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर एंटर कर जाती हैं और वो फिर आपसे आपकी औलाद में ट्रांसफर होती रहती है। जो डॉक्टर कहते हैं ना, जेनेटिक है, जीन्स में है। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो पूछता है माँ बाप को तो नहीं बीमारी, भाई बहन को तो नहीं, दादे पर दादे उधर तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो जेनेटिक है, ये क्या है, हेरिडिटी क्या है, ये बदरुएं ट्रांसफर होती जा रही हैं, ये कर्सेज हैं जो एक जनरेशन से आगे आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो यही कर्स जो मैंने अपना दरवाजा खोला था, मेरी बेटी में ट्रांसफर हुआ। तो जब पैदा हुई तो उसको बहुत सारी सिकनेसेस हो गई, उसको पैदा होने से ही उसको दूध से ऐसी एलर्जी थी कि मैं अगर दूध पीती, मेरे दूध पीने के 2-3 घंटे बाद भी मैं अगर उसे किस कर देती तो उसको एलर्जी हो जाती। उसको ऐसे थी कि छू भी जाए तो एलर्जी। अंडे से उसको फिर बड़े होते होते 3-4 साल तक पहुँचते पूरी बॉडी में एक्जिमा हो गया, उसकी एस्थमा हो गया, और बहुत बुरी तरह वाला एस्थमा हो गया। और वो एक दिन में 5 बार उल्टी करती। मुझे लगता कि कोई चीज़ उसके ना यहाँ बैठी है कि ये कुछ भी खाती है वो उसको बाहर फेंक देती है। अब मुझे पता चलता वो क्या चीज़ें थी। तो उसको फेलियर टू थ्राइव में डाल दिया। टोरंटो का बेस्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने इसका इलाज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो जब उन्होंने जेनेटिक टेस्ट किया तो उसके जीन्स में कुछ नहीं आया, कुछ भी उसके जीन्स में नहीं था, क्योंकि जेनेटिक तो था ही नहीं, ये तो स्पिरिचुअल। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं, आप अपनी रिपोर्टें लेके जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा बीमारी है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, पर आपको तकलीफ है, दिस इज स्पिरिचुअल। माफी मांगे खुदावन से, रिपेंट करें आप खुदावन के सामने, तब आजादी मिलेगी सच में। और जैसे जोएल 2 के बारे में लिखा, अपने को रिपेंट करना है, जैसे कपड़े नहीं फाड़ने, दिल को फाड़ना है। रो रो के जब गुनाहों की तौबा करेंगे ना, उस रिपेंटेंस में आजादी मिलेगी। खैर, इस तरह से जिंदगी चलती रही। और एक बार मेरी बेटी की सर्जरी थी ट्यूसडे को, तो इसके पापा के काम पे एक क्रिश्चियन लेडी थी, तो उसने कहा कि आप इसको चर्च ले आए। तो हम संडे को चर्च चले गए। तो जब हम चर्च गए तो सब लोगों ने मिल के ना इसके ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू करी। तो मैंने देखा ये लोग मेरी बेटी के ऊपर दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ा अजीब लगा। उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे कईयों के। तो मैंने कहा ये कैसे लोग हैं, ये मेरी बेटी के लिए इतनी दुआ कर रहे हैं। मैं इतनी हार्डकोर हिंदू थी, सेरा के पापा, सेरा मेरी बेटी, इसके पापा सिख थे, तो मैं सिखिज्म को भी बहुत मानती थी। 2-2 घंटे मैंने सुखमनी साहब का पाठ, ये जपजी साहब का पाठ, बड़े पाठ करने 2-2 घंटे सुबह शाम। मंदिर गुरुद्वारे जाती, आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। और गुरुद्वारे जाना तो वो बाबा जी को $50 देने दुआ करवाने के लिए, मंदिर में तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा ये कोई पूछता नहीं, और आज ये क्रिश्चियन कैसे हैं जो मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख के दुआ करे हैं, और ये तो रो भी रहे हैं। तो बहुत अजीब लगा मुझे कि ये कैसे लोग हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्रिश्चियन कैसे लोग हैं, कैसे मतलब बड़े प्यारे लोग हैं, ये तो बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहा नहीं नहीं ये तो गोरे है ना, गोरा कल्चर ही ऐसा होता है। चलो ठीक है। तो खैर, अगले दिन मंडे था, तो हमारे वहाँ पे कनाडा में तो स्पेशलिस्ट को मिलना 8-8 महीने लग जाते हैं। तो मुझे एकदम मंडे को मेरे दिल में खुदा ने डाला कि इसको, सेरा को मैं स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊँ, और खुदा ने मुमकिन किया कि उसी दिन मैं स्पेशलिस्ट को मिल ली। जब स्पेशलिस्ट ने सेरा को देखा तो उसने कहा कि इसको तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिस चीज़ की सर्जरी होनी थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा वाह, ये तो जीसस ठीक कर देते। तो हम अगले संडे शुक्रगुजारी के लिए चर्च गए। तो उसके बाद उनके चर्च के वही उनकी जो कॉलीग थी, वो अपने पास्टर को लेके हमारे घर डिनर पे आई। तो जब वो डिनर पे आई तो वो अपने साथ बाइबल लेके आए और उन्होंने जीसस के बारे में बताना शुरू किया। तो मैंने कहा रे ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपने जीसस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है इनके जीसस ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो ठीक है। तो मेरे पास तो 33 मिलियन खुदा है,
मेरे तो दीवार सारी दीवारों में टंगे हुए हैं, मेरे पास इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े हैं, तो ये क्या सोचते हैं कि सिर्फ जीसस ही गॉड है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग दोबारा नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनका जीसस ही खुदा है, तो मेरे पास बड़े सारे गॉड्स हैं, मुझे जरूरत नहीं है इनकी। उसके बाद मैंने जीसस के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जीसस ना दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, है ना, वो कहते हैं मैं बाहर से खटखटा, जो खोलेगा तो मैं अंदर, जबरदस्ती नहीं करते कभी। अगर वो चाहें जबरदस्ती करना तो आज हर शय इस दुनिया की यीशु के से भरी, उन्होंने हमें फ्री विल दी कि जब वो कहते मैं बाहर से खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, हम मिलके खाना खाएंगे। खाना किसके साथ खाते हैं? अपने प्यारे के साथ। तो मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया और जीसस भी चुप हो गए। ठीक है, 4 years का पीरियड ऑफ साइलेंस रहा मेरी जिंदगी। तो ये ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी ही बात है, 15 साल मुझे जीसस में आए हो जाएंगे। तो आई थिंक जून की बात है, मैं यहीं यूके में आई हुई थी, मेरे लंदन में। तो यहाँ मेरी फ्लाइट थी वापसी, उससे 2 दिन पहले मेरा पाउंड टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो मैं ऐसे गई, तो सर्जरी हुई, तो मैं काम पे नहीं जा रही थी। तो उसके 6 महीने पहले मैं किसी को कैनेडा में मिली थी, तो उन्होंने मुझे मैं उनको मिली, उस मिलना भी ऐसे था कि मैंने आपको बताया मेरे में बड़ा गुस्सा और मैं बड़ी ऐसे प्राइडफुल सी, जैसे मुझसे बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं है। तो एक वेंडीज हमारे ड्राइव, एक फूड्स का है फास्ट फूड, तो मैंने ड्राइव थ्रू से फूड लिया, वो गलत दिया उन्होंने। तो मैं ज़रा गुस्से में अंदर जा रही हूँ, लाओ बुलाओ अपने मैनेजर को। तो वहाँ से मैनेजर चल के आ रही है, उसने नेम टैग नहीं लगाया था। मेरे कान में आवाज़ आई, इसको अनु नाम से बुला। तो मैंने कहा अनु, तो कहती मेरा नाम कैसे पता है? तो मैं उसे क्या बताती, मुझे किसने बताया? तो खैर जब उससे बात करनी शुरू हुई तो पता चला कि वो मेरी, मैं जब किंडरगार्टन में थी तो वो मेरी टीचर थी स्कूल की। तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अच्छा, तो फ़ोन नंबर मैं ले लिया। तो 6 महीने आई नेवर टॉक टू हर, आई हैड नो कनेक्शन विद हर। सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद जब मेरा पाउंड टूटा तो मैं घर पे थी, तो अचानक से वो फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया। अचानक से क्या, खुदावंत की प्लानिंग का हिस्सा था। तो मैंने उसे कॉल किया, तो उसने कहा कि आज आप हमारे घर आ जाओ, कुछ पीस मिलेगा। तो मैं घर गई उनके, तो देखा उधर दीवार पे क्रॉस और बाइबल के वर्सेस। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहती हम सारी फैमिली क्रिश्चियन बन गए हैं। मैंने अपने सिर में हाथ मारा, मैंने कहा ये लोग कैसे लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के किसी और के बाप को अपना बाप कह देते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसे लोगों से कुछ वास्ता ही नहीं रखना। तो मैं उस दिन वैसे आ गई, घर आई, तो मैंने, तो अनु ने मुझे अक्सर कॉल करना, कभी मैंने कॉल लेना कभी नहीं लेना। जब उसने कॉल करनी, उसने सिवाय जीसस और गॉड के कोई और बात नहीं करनी। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गुम है, इसको तो पता ही नहीं दुनिया है क्या। मेरी दुनिया बारबेक्यू करो, पार्टियां करो, मूवियां देखो, ये सब है। तो मैंने उससे इसलिए बात करनी कि ये जो गुम है ना अनु, जो वह गॉड गॉड करती है, इसको ज़रा असली दुनिया में लेके आओ। असली गुम तो मैं थी, तो वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। तो एक दिन ऐसे ही बात करते करते अनु ने मुझसे कहा कि मोनिका तू मर जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो मैं बड़ी हार्डकोर हिंदू थी, मैं बड़ी हार्डकोर सीख थी, पर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब क्या है कि मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मरने के बाद, जैसे वो बदरू साथ में थी, मुझे ये पता था, उसने बताया था वो अमेरिका में मरी थी। तो मैंने कहा मरने के बाद मैं बस यही घूमती रहूँगी और अपने बच्चों को देखती रहूँगी। तो उसने मुझे कहा क्यों ना ऐसा हो कि तू उधर खुदा के पास चली जाए, गॉड के पास चली जाए, और तेरे बच्चे भी गॉड के पास चले जाए भटकने की जगह। वर्ड जो है ना, जैसे याना 1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन है ना वो जिंदा है। तो जो भी वर्ड हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये आपके दिल के अंदर उतरता जा रहा है, ये आपके दिल के अंदर उतरता जा रहा है, और ये वचन जो है ये सच में आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपकी इटर्निटी को बदल देगा। तो क्योंकि ऐसे ही वचन मेरे अंदर गया, तो मैंने कहा अरे वो जिंदा वचन अंदर गया, तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं गॉड के पास चली जाऊँ? क्योंकि मैं बहुत बुरी थी, एरोगेंट सब कुछ था, पर मुझे एक बात का एहसास था कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे ये पता था मैं पापी हूँ। और ये एहसास भी नहीं है बहुत से लोगों को कि हम पापी हैं, पर ये मुझे पता था। तो मैंने कहा मैं तो बहुत पापी हूँ, तो मैं कैसे उस गॉड के पास जा सकती हूँ? तो उसने कहा क्योंकि तेरा जो सारा पाप है ना, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया,
इसलिए तेरा सारा पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे माफ कर दिया, तो तू इसलिए खुदा के पास जा सकती है, और तेरे बच्चों का भी पाप अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा अरे वाह, ये जीसस तो बड़े अच्छे हैं, ये तो माफी दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कलेक्शन है गॉड्स की, बहुत सारे गॉड्स हैं। मैं मंडे को इसको दूध डालती हूँ, ट्यूसडे को उधर बहुत कुछ करती हूँ, अब तो बाइबल में लिखा इसका नाम भी मुंह पे नहीं लेके आना, इसलिए मैं मुंह पे नहीं लेके आ रही। मंगलवार बुधवार एक, वीरवार को पेड़ को जाके केले के पेड़ को पूछती थी, बड़ा कुछ करती थी, पर ऐसे था कि कोई भी अगर अंडा भी गलती से खा लिया, हाथ लगा दिया, तो उसकी भी सजा मिल जाती थी। और मैंने बचपन में सजा हड्डियां तुड़वाने की ली थी, क्योंकि मैं देवी के दर्शन क्या देवी के उधर माथे टेक कर आई, तो आके मैंने मीट खा लिया, तो अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी हड्डियां टूटी। तो पंडित जी ने कहा कि होंगी तूने मीट खा लिया था ना, तो देवी का प्रकोप आ गया। तो मैं तो ऐसे देवी देवताओं को जानती थी जो उनके जरा सी उनके खिलाफ गलती करो नहीं तो दे हड्डियां तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, ये मैं तो हड्डियां तोड़ने वालों को जानती हूँ, पर ये बहुत अच्छा है कि कोई माफी देने वाला, ये नहीं था मेरे पास कोई माफी देने वाला। तो मैंने कहा मुझे ये जीसस चाहिए, मैंने ऐसे ही बोला ये जीसस मुझे चाहिए, क्योंकि ये तो माफी देते हैं। मुझे नहीं पता था कीबोर्ड में कितनी पावर है, जब आप बोलो मुझे जीसस चाहिए तो फिर जीसस आ जाते हैं। तो जीसस जब एक बात कहूंगी मैं सबसे, जो गहरा अंधेरा है ना, गहरा अंधेरा छोटी सी रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, पर छोटी सी रोशनी खूब अंधेरे को खत्म कर देती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? इस दुनिया की रोशनी है। He is the light of the world. He is, yeah. और मैंने कहा मुझे ये यीशु चाहिए। जब वो रोशनी अंदर आई मेरे, तो मैं एक और बात साथ में जरूर कहूंगी। आई नो बहुत सारे नॉन बिलीवर्स, बहुत सारे जो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, बहुत सारे आप हिंदू हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। हमारे लिए आसान है यीशु को रिसीव करना, पर हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि बाकी सबको अपनी जिंदगी से अलग कर पाना। तो हम इसलिए चर्च चले जाते हैं सभी, तो क्या किसी दोस्त ने कहा, किसी ने कहा कि आ जाओ चर्च मेरे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम तो सबकी इज्जत करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। मैं हिंदू थी, मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, मैं पीर की मजारों पे भी जाती थी, मैं तो सब कुछ करती थी, क्योंकि हम सबकी इज्जत करते हैं। पर जब सच सामने आता है, बाइबल में लिखा सच को जानो सच तुम्हें आजाद करता है, जब सच को जानो तभी बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि जब क्रिश्चियन बन जाते हैं ये हमारा प्रसाद नहीं खाते, ये हमारे घर नहीं आते, हमारे साथ इस हमारी उसमें माथा नहीं टेकते, क्यों नहीं टेकते? अभी मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी क्या सच मेरे सामने आया जिसके कारण मैं इन सब चीजों से दूर हुई। तो जब वो रोशनी आई तो मेरे अंदर एक ना खलबली सी मच गई, ऐसे जैसे भूचाल आ जाता है, और मेरे अंदर सवाल, दो सवालों ने मुझे झिझोड़ना शुरू किया। एक ये था, जिस तरह हिंदुइज्म में कहते हैं 84 लाख योनियों से गुजरना है, आप सब समझते हैं जो हिंदू हैं सभी, हम सिख भी है ना, कि 84 लाख योनियों का मतलब है हवा के सब परिंदे, जमीन के सब जानवर, पानी के सब, आप मरने के बाद एक एक क्रीचर बनेंगे और फिर उसके बाद इंसान बनेंगे, तो 84 लाख योनियां। पहले कभी ख्याल नहीं आया, वह यीशु को कह रहा ये यीशु चाहिए। उसके बाद मुझे ये समझ मेरे अंदर ऐसे समझ हुआ कि जब मैंने कोई कीड़ा मकाड़ा, कोई स्क्वेल, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ देखना, तो मैंने कहा मैंने ये सब भी बनूंगी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होने लग गई। तो मेरे अंदर मेरी रूह ने पुकारना शुरू किया कि क्या कोई है जो मुझे इन सब चीजों से बचा ले, कि मैं ये नहीं बनना चाहती, कि कोई है। और मुझे पता था ये साधु सन्यासी तो हिमालय में चले जाते हैं, सालों साल एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, तपस्या करते हैं ताकि ये सब ना बने, पर मैं तो ये सब नहीं कर सकती, तो कैसे निकलूंगी। तो दूसरी बात ये थी, यू नो हिंदुइज्म में हम लोग सब कहते हैं कर्म, पिछला जन्म, फिर पिछले जन्म ने कुछ किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे उस पंडित ने क्या, उसने कहा कि तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे, तभी सेरा बीमार है, तभी हमारी शादी में ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसा है, तूने कुछ किया था। तो मैं सोचती थी कि मैंने जो पिछले जन्म में किया मुझे तो अभी याद नहीं है, पर भुगत तो मैं रही हूँ अभी, और इस जन्म में भी पाप हो गए, मतलब अगला जन्म पहले ही खराब पड़ा है, तो ये चक्कर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये चक्कर से क्या कोई है जो मुझे बाहर निकाल सके? तो मेरी रूह ने पुकारना इस तरह से शुरू किया। तो एक रात
सेरा बीमार थी, मैंने उसको अपने कंधे में लिया हुआ। आपको पता है एज अ हिंदू एज अ सिख हमें कभी खुदा से बात करनी नहीं आती थी, क्योंकि कोई खुदा ऐसा था ही नहीं जिससे बात करी जा सके। माला ले लेते थे, मंत्र पढ़ते थे, मंत्र पढ़ते जाए, और किताबें थी जिसको रटा रटाया बस पढ़ते जाए, इसके अलावा कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि ये देवी देवता तो इस तरह से थे। और स्पेशली जैसे मेरे को वो दिखते थे, तो उन्होंने मुझे कहना कि मुझे हमें तेरा खून चाहिए, खून की कुर्बानी चाहिए। तो मैंने ब्लेड से हाथ काट काट के उसको खून चढ़ाना, उन देवी को खून चढ़ाया करना। तो मैं तो उस जगह से आई थी जहाँ पे ना खुदा से बात होती है, वो मांगते हैं खून। अब यहाँ पे एक ऐसा यीशु है, हाँ, ये देवी देवता हमसे खून मांगते हैं, एक ऐसा यीशु जिससे अपने खून का आखिरी कतरा हम सब के लिए मांगते। काश कि ये सच हर कान के हर रूह के अंदर चला जाए और आप सब भी आजाद हो जाए। मेरी दुआ है इस वक्त पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद हैं, आपने मेरे मुंह का कंट्रोल लिया हुआ है, और एक एक के कान का भी, एक एक की सोच का भी कंट्रोल लें, ताकि जिसके कान में भी ये आवाज जाए वो वैसा ना रहे इस गवाही के बाद, उनकी जिंदगी में भी यीशु 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 आ जाए। आमीन। तो मैंने एक उस रात मैंने ऊंची आवाज में यीशु से बात करी, पहली बार जिंदगी में गॉड से बात करी। मैंने कहा जीसस, अन्नू कहती है कि सिर्फ आप ही गॉड है, मैं तो हिंदू घर में पैदा हुई हूँ, सिख घर में शादी हुई है, ये सब गॉड्स हैं मेरे पास, पर अगर आप ही सिर्फ सच हैं तो मुझे अपना सच दिखा दें, मैं इनोसेंट हूँ। मैं आज मैं कहती हूँ मैं इनोसेंट हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई, पर अपना सच मुझे दिखा दें ताकि मुझे पता चल जाए आप गॉड हैं। और मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट है, आपको कोई डाउट है, हमारा यीशु जिंदा यीशु है, हालेलुया, आप उसको एक आवाज दे के देखें। मैं सबको चैलेंज करती हूँ आज इस बात के लिए, आप पुकार के देखें, आप बोल के देखें, जैसे मैंने रूह से बोला था कि यीशु अगर आप भी सच हैं तो अपना सच मेरे ऊपर जाहिर करें, आप भी पुकार के देखें। तो सुने अगली सुबह क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं रिचुअल जो मॉर्निंग होता था नहा धो के मंदिर के सामने बैठी थी, तो अचानक से वही जो बदरूसी थी जिसको अब मुझे पता है वो तो दुष्ट आत्मा थी, पर उस टाइम तो नहीं पता था, तो उस टाइम मेरे पास आई तो मुझे कहती कि मेरी भी मूर्त बना दे और अपने मंदिर में रख और मेरी भी पूजा कर। तो एकदम जैसे ही उसने कहा तो मेरे कान में एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा कि देख आज ये तुझे अपनी मूर्त बनाने के लिए कह रही है, तुझे पता है ये कैसे एक मरी हुई की बदरू है, तो देख आज तो इसकी मूर्त बना देगी तो तेरी जेनरेशन को, तेरे बच्चों को आने वाले 50 सालों में नहीं पता होगा ये कौन है और इसको भगवान समझ के पूजेंगे। फिर मैंने कहा ये तो सच है, ऐसे लगा जैसे रोशनी सी हुई हो, मैंने कहा ये तो सच है। तो उसके बाद मेरी जितनी मेरी मैं बिल्कुल मैं सबसे पहले तो आप सबसे माफी मांग के ये बात कहूंगी, आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनी वन, आई हैव नो इंटेंशन टू से एनीथिंग जो आपके दिल को हर्ट हो, मैं अपना सच आपके सामने रख रही हूँ जो मैंने देखा, तो आप इस बात से कोई ऑफेंड ना हो जी। आप अपने खुले दिल से मेरी अगली बात को सुनना, क्योंकि मेरा किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं मैं बात करी, जो मेरे साथ उस वक्त में हुआ मैं उस वक्त को सामने रख रही हूँ। तो मेरे सामने जितनी मूर्तियाँ थी उन सब मूर्तियों के सामने के ऊपर मुझे कुछ चीज़ें डरावनी सी दिखने लग गई, एकदम ऐसे कुछ अजीब सी चीजें चलने लग गई, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करती थी, मुझे सब कुछ दिखता था, तो मुझे वो दिखने लग गई और मैं इतना डरी, मेरी कही ये तो मेरी मूर्तियां हैं जिनको मैं बचपन से पूजती आई हूँ, आज क्यों क्या हो गया, इस टाइम क्या हो रहा है इनको। तो जैसे एक टीवी चल रहा था ना आपके सामने और आपके सामने बिल्कुल मेरे सामने वैसे टीवी सा चल रहा था एक, तो मैं बहुत डर गई एकदम, मैं मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, मैंने डर के ऐसे चेहरा अपना इस तरफ किया, ऐसे सामने मंदिर है, मैंने इस तरफ चेहरा किया, जैसे मैंने इधर चेहरा किया तो मुझे इतनी खूबसूरत सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में से आवाज आई, आई एम द ट्रूथ, हालेलुया हालेलुया। मैंने क्या कहा था यीशु मसीह को रात को, अगर आप सच हैं
तो अपना सच मुझे दिखाई। उसने दिखाया ही नहीं, मुझे सुनाया भी। कहता जीसस की आवाज आई, आई एम द ट्रूथ। और मैं आपको एक बात कहूं, वो जो आवाज थी वो मेरी रूह पहचानती थी, मेरे बाप जी की आवाज है। मेरी रूह को पता था, मैं तो यीशु को नहीं जानती थी, मुझे तो नहीं पता था कुछ भी यीशु का, पर मेरा रूह पहचान गया ये मेरा यीशु है। वो पल मेरी, मैं बॉर्न अगेन हो गई। मुझे पता था सिर्फ एक ही दुनिया में सच है, वो है यीशु। क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मैंने खुद देखा सुना, और मैं उस पल से यीशु की दीवानी हो गई। दीवानगी की हद होती है, हद से पार दीवानगी हो गई, और आज भी वैसे ही है, और आखिरी सांस तक ऐसे बढ़ती जाएगी। जैसे ना आपने वो वीडियोस देखी होंगी, सुनामी आता है, तो जब सुनामी आती है तो कैसे ऐसे बाढ़ आ रही होती है ना, ऐसे ऐसे, और उसमें सब कुछ डूबता जाता है और सब कुछ लेके बहा के ले जाता है। बस ऐसे ही ना यीशु मसीह के प्यार की सुनामी मेरे अंदर आ गई, तो वो ना मुझे सर से लेके उसमें ऐसे बाढ़ आती गई, और उसने मुझे ना बिल्कुल ऐसे साफ करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह आ जाते हैं ना, तो हमें उसका लहू साफ कर देता है। तो जो मैंने दरवाजे खोले थे डीमंस के लिए, जो लश्कर थे मेरे अंदर, तो 3 दिन तक, उस टाइम तो नहीं पता था, आप पता 3 दिन का मतलब क्या है, फ्रॉम क्रूसिफिक्शन टू रेजरक्शन। जोना 3 दिन तक मछली के पेट में था, 3 दिन तक मेरी डिलीवरेंस होती रही। मेरे किसी पास्टर ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने कुछ नहीं किया, खुदावंद ने हाथ रखा। हालेलुया, मेरा टीचर पाकरू है, मुझे खुद, अगर मुझे मुझे ठीक करने वाला यीशु खुद है, मेरी डिलीवरेंस यीशु दे। आज दुआ का करना है वो यीशु का, आज मेरे जो भी मैं आपसे बात करती हूँ वो उसकी तरफ से, सारी ग्लोरी उसको। तो जब वो 3 दिन तक मेरी खुदावंद डिलीवरेंस करते रहे, मुझे साफ करते रहे, तो 3रे दिन आखिरी डीमन निकल के गया मेरे अंदर से। आखिरी जब डीमन निकला, मुझे पता था जब वो डीमन निकला, तो जब वो निकल गया तो मुझे 3रे दिन मुझे फिर यीशु मसीह आए मेरे पास। फिर जीसस कहते मुझे कि मारिका आज मैं तुझे ना बड़ी खूबसूरत जगह में लेके जाऊंगा। तो यू नो जीसस मुझे कहाँ लेके गए, जीसस मुझे मेरे ही अंदर ले गए, मतलब मैं अपने अंदर गई, अपने हार्ट, जहाँ हार्ट है, आर्टरीज और सब कुछ, मैंने सब कुछ अपना वो देखा। तो यीशु कहते देख तेरा हार्ट। तो जब मैंने अपने हार्ट की तरफ देखा, यू नो जब हम तस्वीरें देखते हैं हार्ट की, वो रेड कलर का होता है ब्लड और ऐसे, तो मैंने जब अपना हार्ट की तरफ देखा तो मेरे हार्ट जो था वो रेड नहीं था, वो बिल्कुल बर्फ की मानिंद वाइट था, बिल्कुल वाइट, बड़ा ब्यूटिफुल वाइट। तो यीशु ने मुझे कहा देख मानिका, मैंने तेरी सारी शेम, तेरी सारी गिल्ट, तेरे सारे सिन अपने लहू से धो डाले। आमीन, हालेलुया। मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी थी, जबूर 51 में दाऊद क्या कहता है, बर्फ की माने मुझे सफेद बना। हालेलुया, बर्फ की माने मुझे, खुदावंद ने बर्फ की माने मेरे हार्ट को ऐसा कर दिया। और मैंने देखा, मैं मुझे मुझे अपने आप से प्यार हो गया कि खुदावंद आपने मुझे इतना खूबसूरत कर दिया, मेरी सारी गिल्ट, मेरी सारी सिन सब वॉश कर दिए अपने खून से, और फिर मैं कैसे ना यीशु मसीह की दीवानी हो जाऊँ। तो यीशु आए, जिंदगी बदल गई मेरी, एक एक रोम रोम में यीशु। मैं उस टाइम कहती थी अगर कोई मेरा ब्लड टेस्ट कर ले ना, तो उसके ऊपर जीसस 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 लिखा होगा।